नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को जरूर दबा देना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीजल कितना है आपकी गाड़ी में, ट्रक गाड़ी के अंदर, उसको मैं जो है बताऊँगा कि कैसे उसको आप नाप सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास इस प्रकार का एक गेज होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, कोई आपके पास पतला भी हो सकता है, लेकिन लंबाई इतनी होनी चाहिए कि टंकी के अंदर पूरा जा सके अच्छे तरीके से। तो डीजल की टंकी के अंदर इस तरीके का, इससे आप नाप सकते हैं, ये देखिए। तो नापते कैसे वो ही मैं आपको बता देता हूँ, पहले सब कुछ आपको समझा देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही नॉलेजफुल है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखिए, दो तरीके हैं आपको अच्छे तरीके से डीजल नापने के। सबसे पहला तो ये कि डीजल जो टैंक है आपकी, उसके इसको पूरा डालिए। पूरा डालने के बाद अब आपका तेल कहाँ पर आता है ये आपको देखना है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, या फिर यहाँ आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आता है या फिर यहाँ पे आता है। तो पहले आपको निशान लगा लेना, क्योंकि हम जब भी डीजल को नापते हैं तो उंगलियों से नापते हैं कि यहाँ पे चार अंगल जो है हमारा तेल आ गया। तो एक अंगल तेल, एक उंगली का जो ये इसमें कितना तेल आता है उसके अंदर, वो भी बताऊँगा। तो चार यहाँ पर हो गया, ठीक है, और जैसे आठ उंगली है, ठीक है, आठ उंगली है, तो ये आठ यहाँ पे हो गया, इस तरीके से बारह यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि एक उंगली के अंदर जो एक उंगली या एक आंगल, आंगल बोलते हैं इसको जब भी हम तेल नापते हैं तो आंगल बोलते हैं, एक आंगल के अंदर 12 लीटर या 15 लीटर तेल आता है। कई बार 12 लीटर भी आ जाता है, कई बार 15 लीटर, वो टंकी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। 20 की गाड़ी के अंदर जो है 15 लीटर तेल आराम से आ जाता है एक उंगली के अंदर। तो देखिए, अब यहाँ पे चार है, 15 चौक 60, 60 लीटर तेल जो है आपकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसमें नाप सकते हैं। तो अगर आपको निशान लगाना है तो किसी पत्ती से लगा लें कि बार बार आपको उंगलियाँ ना नापनी पड़े, और अच्छे तरीके से आपको पता चल जाए। यहाँ पे कट लगा ले, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, तो यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, उंगली से नाप नाप कर आपको कट लगा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है सबसे अच्छा आपको डीजल नापने का। और ये बात मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप जैसे पहले डीजल डलवाते हैं तो गेज मारना आपको टंकी के अंदर, क्योंकि नहीं पता कि आपके अंदर कितना तेल है। तेल जब आप पूरा डलवा लेते हैं गाड़ी के अंदर तो फिर एक बार गेज आपको मारना है, जिससे आपको ये जो है पूरा डिपेंड हो जाए कि हाँ भाई इतना तेल था गाड़ी के अंदर और इतना जो मैंने अब डलवाया, क्योंकि कई बार धोखा हो सकता है आपके साथ। तो ये आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैंने बताया है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है डीजल नापने का आपकी गाड़ी के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे।